What's he gonna do when Roman is defeat everyone? Ladies and gentlemen. वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 37 के नाइट वन के मैचेस के बारे में। सो कैसे रिजल्ट्स निकल सकते हैं एंड क्या हो सकता है, सो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो चलते हैं रेसलमेनिया के पहले मैच की तरफ जो कि हमें देखने को मिल सकता है, और यह है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो कि है साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बलेयर के बीच में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा मैच होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कि बियांका बलेयर है उन्होंने रॉयल रंबल जीत के आया है, और यहाँ पर साशा बैंक्स को हराने का उनका चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि साशा बैंक्स में भी मुझे लगता है कि यहाँ पर हार जाएंगी। बट अगर डब्ल्यू ने कुछ और प्लान करके रखा हो या फिर कोई अलग तरीका प्लान करके रखा हो तो हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग भी देखने को मिल सकता है कि साशा बैंक यहाँ पर बियांका को हरा सकती हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकता है। बट यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत जाएंगी एंड बन जाएंगी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि टैग टीम मैच है, और यह है डेमियन प्रिस्ट एंड बैड बनी वर्सेस जॉन मॉरिसन एंड द विच के बीच में, जो कि जैसा कि हमें पता था कि पहले यह 1-1 था, बट यहां पे अब टैग टीम मैच हो गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिलेगा। और यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस जो कि राइवलरी तो बहुत ही अच्छी बन चुकी है, जो कि हमें रॉयल रंबल से देखने को मिला बैड बनी के साथ में, एंड वेल जो कि बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें तय हो गया यहाँ पे रेसलमेनिया में देखने के लिए। और यहाँ पे ये मैच सबसे ज्यादा फिक्स लग रहा है कि यहाँ पे डायमंड प्रिस्ट एंड बैड बनी हो सकता है इस मैच को जीत जाए, और इनके विनिंग चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एंड यार रिजल्ट्स भी हो सकते हैं कि बैड बनी एंड डायमंड प्रिस्ट यहाँ पे इस मैच को जीत जाए, जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि टैग टीम टर्मोइल मैच है, जो कि इसमें से जो जीतेगा वो शायना बेजलर एंड फिर नाया जैक्स को फेस करेगा रेसलमेनिया 37 के नाइट टू में, जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो भी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे जो टीम्स है, टीम्स में है नियोमी एंड लाना, एंड इसके बाद तो मैंडी रोज एंड डायना ब्रुक है, एंड फिन द राइट स्क्वाड है, एंड इसके बाद तो नटालिया एंड जो कि टमीना भी है, एंड बिली के एंड कॉर्मेला भी है। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड आज तो हमें ब्रॉल भी देखने को मिल गया था स्मैकडाउन में, जो कि इंटरेस्टिंग थिंग है। तो यार देखते हैं इसमें से कौन जीतता है। वेल यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं बिली के एंड कॉर्मेला में भी यहाँ पे जीत सकती है इस मैच को, एंड फिन हो सकता है हमें इनका मैच देखने को मिले नाइट टू में, वो भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वुमेन्स के। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच है, वेल ये मैच है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होगा द न्यू डे, जिसमें रहेंगे कॉफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बीच में हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ ओमस का हमें इन रिंग डेब्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो भी टैग टीम पार्टनर बनेंगे एजे स्टाइल्स के। वेल यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि जो एजे स्टाइल्स एंड ओमस है इस मैच में जीत जाएंगे एंड बन जाएंगे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होगा। और यहाँ पे एजे स्टाइल्स जो है ना वो यार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, वो भी रेसलमेनिया के अंदर, तो यार बहुत ही बेस्ट थिंग है ये। वेल नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि हमें स्टील केज मैच देखने को मिलेगा, और ये मैच होगा ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच में। वेल हालांकि ये स्टील केज मैच पहले तय नहीं हुआ था, अब स्टील केज मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ब्रॉन स्ट्रोमन से भाग भाग के शेन मैकमैन बहुत भाग चुके हैं, एंड शेन मैकमैन बहुत ही ज्यादा कुछ स्टूपिड बोल चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, एंड बहुत ज्यादा बार मतलब उनका दिन भर गया है, और ब्रॉन स्टोमन से वो पिटने वाले बहुत बुरी तरीके से। तो वो चीज देखना बहुत ही मजा आएगा कि ब्रॉन स्टोमन से शेन मैकमैन कितना गंदा पिटने वाले हैं। एंड प्लस ये चीज है कि ये मैच है अगर स्टील केज मैच है तो यार शेन मैकमैन का जंप करना जो कि जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो चीज तो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शेन मैकमैन जंप करेंगे जरूर ब्रॉन स्टोमन के ऊपर, जो कि थिंग हमें देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा एंड बहुत ही मजा आएगा, जो कि देखना बहुत ही मतलब यार मजा आएगा उस चीज के लिए। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें जो कि नाइट वन का हमें मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, और ये मेन इवेंट होगा जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए, और ये होगा बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में। वेल इस थिंग में सबसे बड़ी चीज है यार कि यहाँ पे बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकइंटायर का बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे जो कि ड्रू मैकइंटायर है वो इस मैच को जीत जाएंगे एंड बॉबी लैशली को हरा देंगे। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें किसी का इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकता है, या फिर इस मैच के अंदर हमें कोई मतलब मैच खत्म होने के बाद तो हमें कोई दिखाई दे सकता है, मे बी ब्रॉक लेसनर, हु नोस, मतलब कोई भी आ सकता है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि आगे राइवलरी बढ़ाने के लिए अगर ऐसा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग और भी रहेगा। वेल बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एक क्लैश तो बहुत ही बढ़िया होने ही वाला है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग तो इसमें जो जीतेगा उसके साथ होगा, क्योंकि यार दोनों ही डिजर्विंग सुपरस्टार है, तो यार देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल तो नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि सिजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में देखने को मिलेगा, एंड सिजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा होगा। एंड यहाँ पे सिजारो इतने सालों के बाद तो रेसलमेनिया में उनको 1-1 मैच मिलने वाला है, और यह भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, जिन्होंने सेथ
रॉलिंस ने रेसलमेनिया में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स मिले उनको, तो यार देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन दोनों में से कौन सुपरस्टार जीतता है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे सीजारो के चांसेस ज्यादा इस मैच में जीतने के एंड सेथ रॉलिंस के थोड़े कम है। वेल तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस मैच में जीतता कौन है। तो वेल आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मैच है जो कि आपको पसंद आने वाला है एंड कौन सा ऐसा मैच है जो जीत सकते हैं? यार बहुत ही मतलब अच्छा खासा प्रेडिक्शन तुम भी लगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।